हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद प्रजापति। आप सभी का हमारे डिफेंस के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं SRT के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फेज़ 1 क्लियर करके फेज़ 2 में जाते हैं तो वहाँ जब ये सारे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और वहाँ छट जाना, फिर कितनी दुख की बात होती है, या आप सब हम समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट न करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसा कि 11वां क्वेश्चन है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों में रहेंगे, तो मैं इंग्लिश में इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके लिए बेनिफिट हो। तो यू आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क व्हेन यू किक द बॉल, इट स्ट्राइक एंड ब्रेक द विंडो पेन ऑफ नियर बाई हाउस यू वुड। कह रहे हैं कि मतलब आप फुटबॉल पार्क में खेल रहे हो और बॉल को आपने किक किया और बॉल जाके आप एक पास में घर है वहाँ जाके शीशे को तोड़ दिए, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है डिमांड योर बॉल बैक फ्रॉम द हाउस ओनर। क्या हाउस ओनर को आप कहोगे कि बॉल मुझे वापस कर दो, या बी है कि से दैट इट वॉज़ नॉट फॉल्ट ऑफ योर, या आप कहोगे कि ये मेरी गलती नहीं है। सी ऑप्शन है स्टेल्थली गेट योर बॉल बैक। क्या तुम जबरदस्ती बॉल लेने की कोशिश, मतलब बदतमीजी करके बॉल लेने की कोशिश करोगे, या अपोलोगाइज टू द हाउस ओनर एंड कंट्रीब्यूट टू रिप्लेस द ग्लास। तो इसमें है टी ऑप्शन में है कि क्या हाउस ओनर को आप अपोलोगाइज करोगे, मींस प्रार्थना करोगे कि बॉल मुझे वापस कर दो और जो चीज़ें मैंने नुकसान की है तो उसके मैं पैसे दे दूंगा, तो ऐसा करोगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको डी ऑप्शन सही है, उससे माफ़ी मांगना चाहिए कि आपने गलती किया, उसके शीशे तोड़े, और कुछ पैसे दे दो जिससे उसको भी ना दुख हो। तो डी ऑप्शन मुझे सही लगता है। देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। डी, हाँ डी इसका ऑप्शन सही है। चलते हैं 12वें क्वेश्चन नंबर पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको देख लिया है तो आपको करने का तरीका पता चल जाता है। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन रीचिंग द रेलवे स्टेशन यू फाइंड दैट द ट्रेन यू वॉन्ट टू कैच इट जस्ट टू स्टार्ट एंड देयर इज़ हार्डली एनी टाइम टू परचेसिंग द टिकट, द बेस्ट थिंग फॉर यू इज़ टू। तो इसमें क्या रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पहुँचे ही कि ट्रेन क्या हुआ कि चलने के लिए स्टार्ट हो चुकी है, अब आपके पास बहुत कम टाइम है कि आप जाके टिकट खरीदें, या आप क्या करें फिर इस सिचुएशन में। तो ऑप्शन ए है कि रूज द ट्रेन रेदर देन मिस इट एंड इन्फॉर्म द TT एट द नेक्स्ट स्टॉपेज अबाउट योर इनएबिलिटी टू परचेज द टिकट। मीन्स इसमें क्या रहा है कि आप जल्दी से ट्रेन में चढ़े और वहाँ जाके TT से कहो कि मेरी ये कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने टिकट नहीं ले पाया और मैं नेक्स्ट स्टेशन पर उतर के टिकट ले लूँगा। ये कहोगे कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है रूज द ट्रेन एंड परफॉर्म योर जर्नी क्विकली, या ट्रेन में चढ़ जाओगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दोगे बिना टिकट लिए, ऐसा कुछ करोगे, या सी दिया गया है फर्स्ट परचेज द टिकट एंड देन कैच द ट्रेन इफ़ इट इज़ देयर, और तीसरे में कह रहा है कि जाओगे टिकट लोगे और फिर उसके बाद अगर ट्रेन है तो ट्रेन को पकड़ोगे। तो ये भी मुझे नहीं लगता है ऐसा करना चाहिए। डी ऑप्शन है मिस द ट्रेन रेदर देन टेक द रिस्क टू बोर्डिंग टू मूविंग ट्रेन। इसमें ये कह रहा है कि तुम ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे, मतलब ऐसा कुछ, तो ये भी गलत ही है। तो इसका ऑप्शन ए मुझे सही लगता है। आप TT से जब कहोगे कि मैंने टिकट इस कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं ले पाया तो मैं अभी टिकट उतर के किसी स्टेशन पे ले लेता हूँ, तो कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मुझे लगता है ए ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। 13वां क्वेश्चन है वाइल ट्रैवलिंग इन योर कार सर्टेनली पर्सन स्टॉप यू ऑन द वे आस्किंग यू टू टेक एन इंजर्ड चाइल्ड टू द हॉस्पिटल यू वुड। ऑप्शन ए दिया गया है आस्क देम टू लीव योर वे एंड देन ड्राइव अवे। आस्क देम टू लीव योर वे, तुम कहोगे, मतलब इसमें क्या रहा है कि एक आप जा रहे थे और सडनली एक मैन आया और कहा कि मेरा बच्चा घायल है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तुम क्या करोगे उस सिचुएशन में? तो ए में दिया कि आस्क देम टू लीव योर वे, उसको कहोगे कि मुझे जाने दो, मुझे ड्राइव करने दो, ऐसा कुछ नहीं। बी ऑप्शन दिया गया आस्क देम टू फर्स्ट कॉल द पुलिस, या तुम पहले पुलिस को कॉल करोगे।
सी दिया गया इमेडिएटली टेक द चाइल्ड टू हॉस्पिटल, क्या तुरंत आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओगे, या डी ऑप्शन दिया गया है गेट आउट ऑफ द कार एंड सम अदर पर्सन टू हेल्प, या आप कार से बाहर निकलोगे और कुछ और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, जब आपके पास कार है तो दूसरे से मदद लेने की क्या ज़रूरत है, आप तुरंत पहले बच्चे की हेल्प करो ना, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं, बच्चा को कुछ हो गया तो फिर क्या, आपका कोई फ़ायदा नहीं है ना लाइफ होने का, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है, ए पर्सन मैनेजिंग द फ्रंट ऑफिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव, दिया गया है कि ए पेशेंट, बी लीडरशिप, सी डिसिप्लिन, डी पर्सनालिटी। तो इसका आप खुद से करें, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, तो बहुत ही बेनिफिट होता है, तो ये आप खुद से करना। 15वां क्वेश्चन है, यू आर इन द पार्किंग एरिया ऑफ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड सडनली द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स एंड देर इज टोटल डार्कनेस, यू विल, ये ऑप्शन दे इन दिया है कि शाउट फॉर हेल्प, मतलब आप एक कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में हो और कार के सामने, मतलब पार्किंग एरिया के सामने, एंड सडनली द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, और सडनली क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फेल्स हो गया तो, और वहाँ डार्कनेस हो गई, तो आप क्या करोगे, क्या चिल्लाओगे, या लाइट आने का वेट करोगे, या क्रवल्स टूवर्ड्स योर व्हीकल, क्या आप इधर उधर टोकते हुए अपने कार के पास जाओगे, व्हीकल के पास जाओगे, या डी दिया गया है ट्राई एंड टेक हेल्प फॉर समवन अराउंड, या किसी से मदद लेने की कोशिश करोगे। यहाँ पर देखो, जब लाइट कॉम्प्लेक्स में चली गई है तो आपको वहाँ आप क्या मदद कर सकते हो, क्या आप इंजीनियर हो वहाँ मदद करोगे, तो ये तो गलत है भाई। शाउट फॉर हेल्प, यहाँ चिल्लाने की कोई बात ही नहीं है, लाइट गई तो चिल्लाने का क्या फ़ायदा था, ये भी सही नहीं है। भी देखते हैं, वेट टिल द लाइट कम्स, क्या लाइट के लिए वेट करोगे, जब लाइट चली गई भाई तुम भी जाओ, भी सही नहीं है। क्रवल्स टूवर्ड योर व्हीकल, तो जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, तो इधर उधर टोटे हुए अपने व्हीकल के पास पहुँचो और निकल जाओ घर, सी इसका ऑप्शन, देखते हैं सही है कि नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और भी जीके के क्वेश्चन हैं वो भी देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें यार, डिफेंस का चैनल है, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा, कोई भी डिफेंस का चैनल आपके लिए बेकार नहीं होता, कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज की चीज़ें।